खेसारी लाल यादव आम्रपाली दुबे के साथ फिल्म नहीं करते? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ये है क्योंकि आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी में 36 का आंकड़ा है। जिस तरह दिनेश लाल यादव निरहुआ और काजल राघवानी अब आपको फिल्मों में एक साथ नहीं दिखते, ठीक उसी तरह से आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव नहीं दिखते हैं फिल्मों में। इसकी मेन वजह है कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की बढ़ती नज़दीकियों की वजह से काजल बिल्कुल नहीं चाहती कि आम्रपाली दुबे खेसारी लाल यादव के साथ अपनी जोड़ी जमाएं। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। रीज़न ये कि एक वो वक्त था जब आम्रपाली दुबे काजल राघवानी को अपनी उन हर एक फिल्मों से निकाला था जिसमें काजल राघवानी निरहुआ के साथ थी। बात का जीता जागता उदाहरण है लल्लू की लैला। जी हाँ, लल्लू की लैला में सेकेंड लीड काजल राघवानी की थी। उनका पोस्टर भी काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए रिलीज भी किया गया, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, उस फिल्म में काजल राघवानी को आउट किया गया और यामिनी सिंह को एज अ सेकेंड लीड हीरोइन लिया गया। और बाद में उसका रीज़न ये दिया गया कि काजल राघवानी के पास इस फिल्म को करने के लिए सुटेबल डेट नहीं है। और अब जब आम्रपाली दुबे हर एक हीरो के साथ फिल्म करती दिखना चाहती हैं, तब काजल राघवानी उनके सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रोड़ा बनी हुई है। काजल राघवानी ये जानती है कि खेसारी लाल यादव की फ़ैन फॉलोइंग निरहुआ के फ़ैन फॉलोइंग से कम नहीं है। अगर आम्रपाली और खेसारी एक साथ आते हैं तो फिल्म देखने निरहुआ की फ़ैन फॉलोइंग भी जाएगी और आम्रपाली की तो जाएगी ही, खेसारी की भी जाएगी, तो फिल्म को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता और इन दोनों की जोड़ी आगे चलकर निर्माता निर्देशकों की फेवरेट जोड़ी न बन जाए। ठीक यही हाल काजल राघवानी के साथ आम्रपाली दुबे ने किया था, यही गेम आम्रपाली दुबे ने खेला था, तब तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अब काजल राघवानी जब ये गेम खेल रही हैं तो कहीं ना कहीं आम्रपाली के खेमे को ये बात बहुत बुरी लग रही है क्योंकि आम्रपाली दुबे को खेसारी लाल यादव के साथ कोई फिल्म नहीं करने दिया जा रहा है। वैसे खेसारी लाल यादव के साथ आम्रपाली दुबे ने एक गाना जरूर किया है, लेकिन उस गाने को भी कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो गाना इतना सुपर डुपर हिट नहीं हुआ है जितना कि खेसारी का सरसों की सगिया हुआ है। खैर, चाहे जो भी हो, वैसे हीरोइनों में हमेशा इस तरह की कैट फाइट चलती रहती है और इसकी आदत तो भोजपुरी इंडस्ट्री की हर हीरोइन को है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।